Hello friends, I am Dr. Swadesh, Kumar. I am head of the emergency department, Narayana Superspeciality Hospital, Gurugram. Today we are going to talk about breast cancer as this month is breast cancer awareness month. So we are going to talk about this. I have the oncology team with me. We have Dr. Randeep. He is a senior medical oncologist. I have Dr. Indu Bansal with me, and she is a senior radiation oncologist, and Dr. Rashmi here, she is breast surgeon. And as you know that people have in their minds lot of questions regarding breast cancer, so I think we'll be able to sort out those questions. We'll take up these those questions. And so straight away I would like to ask what is the incidence, doctor ye kitna, Dr. Indu Bansal doctor ye kitna आजकल कितने पॉपुलेशन में पाया जाता है, इसका इंसिडेंस क्या है ब्रेस्ट कैंसर का? सो डॉक्टर स्वदेश, ऐसा है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर हम ये देखें कि अगर 1,00,000 की पॉपुलेशन है तो उसमें अराउंड 27 या 28% लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है. और ये अब पहले सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा कॉमन होता था, बट अब सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस कम हो गया है और ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस थोड़ा बढ़ गया है. सो रफली वी से कि 1 in 12 वेमेन आर डायग्नोज विद ब्रेस्ट कैंसर. इसका कोई खास रीज़न कुछ आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग? These days, the incidence of breast cancer has increased. That's because of lot of lifestyle factors which increase the risk. Most important is lack of physical activity and obesity. Obesity has been associated with lot of postmenopausal breast cancer, and it has a definite link with it. Other factors which increases the risk of breast cancer are smoking, alcohol, and even diet. Diet rich in fats and red meat, they increase your chances of having breast cancer. Whereas if you eat lot of fruits and vegetables and a diet rich in fibers, that decreases your risk of breast cancer. So, I think to some extent, my friends are right that it is lifestyle related. What other thing जो majorly हम देखते हैं breast cancer में, और अब हम पिछले 3-4 सालों से इसको more and more मतलब देख भी रहे हैं कि genes भी responsible रहती हैं. कई बार हमें question पूछा जाता है कि sir cancer genetic disease हो सकता है या hereditary हो सकता है, मतलब कि हमारे mother father में कुछ ऐसी genes थी जो हमने ली हो. तो breast cancer में एक gene होती है जिसको हम BRCA या हमारी language हम BRCA1 और BRCA2 कहते हैं. ये genes कहीं भी अगर हमारी फैमिली में है तो वो हम इनहेरिट करते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स से और दादा परदादा से. इसलिए फैमिली हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट रहती है ब्रेस्ट कैंसर में. अब साइंस में जो एडवांसेस हुए हैं, उन एडवांसेस के कारण टेक्निक्स अवेलेबल हैं, और सिंपल ब्लड टेस्ट से हम इन जीन्स के अंदर चेक कर सकते हैं. हम सब में जीन्स होती हैं, बट अगर ये अबनॉर्मल हो जाए तो हम प्रीडिस्पोज हो जाते हैं, हमारे चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं जी. Here I would like to add कि genetic breast cancer जो है, it's not very common. It's only about 5 to 10% of breast cancer which is genetic. So we have to remember that also. So I think इसलिए ये बहुत important बात आपने बोली, because लोगों को ये समझना जरूरी है कि अगर उनके घर में किसी को breast cancer हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि उन्हें भी अवश्य ही होगा. सो हर पेशेंट जिसके घर में कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है. बस आप थोड़ा सा सतर्क रहें और अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं. सो योर रिस्क इज स्लाइटली मोर देन जनरल पॉपुलेशन, बट हैविंग अ पेशेंट इन द फैमिली डज नॉट लीड टू अ 100% रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर टू द फैमिली. आई विल जस्ट वांट टू ऐड, क्योंकि ये सब मिथ्स हैं जो हम फेस करते हैं, और ये इन्फेक्शियस भी नहीं है कोई भी कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर ऑफ कोर्स इसमें कहीं भी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है. अगर कई बार लगता है कि इन्फेक्शन से वजह, वो बिल्कुल नहीं है जी. ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर के बारे में हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन, हम काफ़ी सुनते हैं कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो इट इज़ वेरी मच ट्रीटेबल. एंड सो उसके लिए हमको सिम्टम्स एंड साइंस का मालूम होना चाहिए कि कैसे इसको हम पता लगाया जा सकें. तो डॉक्टर साहब, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? यूजुअली प्रेजेंट्स एज अ ब्रेस्ट लंप. कोई भी गांठ ब्रेस्ट में अगर आपके है तो आप उसको चेक करवाइए. सबसे जरूरी है यू शुड बी अवेयर, आप
अपने ब्रेस्ट के बारे में अवेयर होगे तो आप गांठ को पकड़ सकोगे. दूसरा सिम्टम होता है अगर निपल से डिस्चार्ज होता है, यूजुअली पानी जैसा डिस्चार्ज भी हो सकता है, यूजुअली ब्लडी डिस्चार्ज होता है, एक रक्त का डिस्चार्ज होना, या आपके बगल आर्मपिट में कोई गांठ है तो दैट्स अनदर साइन कि इट कुड बी ब्रेस्ट कैंसर. तीसरा चौथी चीज़ है आपकी चमड़ी के ऊपर अगर थोड़ी सी रैश है या लाल पना हो गया है तो दैट ऑल्सो कुड बी ब्रेस्ट कैंसर. जी तो एक जी. अगर आप इजाजत दें तो एक छोटी सी कविता मैं प्रस्तुत करूं ताकि पेशेंट्स को सिम्टम्स समझ में आ जाएं. तो इसमें हिंदी में है, 5-6 पंक्तियां हैं. स्तन में गांठ या सूजन आ जाए, स्तन में गांठ या सूजन आ जाए, रिसने लगे उससे पानी या खून दिख जाए, निप्पल जाने लगे अंदर, निप्पल जाने लगे अंदर या चमड़ी मोटी हो जाए, बगल या गर्दन में भी गठन सी हो जाए, तो बहन दर्द का ना करो तुम इंतज़ार, बल्कि कराओ मैमोग्राफी फटाफट और जल्दी कराओ इसका उपचार. बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बहुत ही एक कविता के रूप में इसको समराइज किया है. और आई थिंक बहुत ही अच्छा डॉक्टर इंदु ने एक मैसेज भी दिया है जो लास्ट लाइन में था कि ना करो इंतज़ार, कहीं भी अगर फीमेल्स को हम लोग उनको लगता है तो कोई भी ऐसे शर्म की या स्टिग्मा को लेके जरूरत नहीं है. अप्रोच करना चाहिए डॉक्टर्स को, घर में बाकी लोगों को, अपने पेरेंट्स को, डॉटर्स को, एंड दे शैल कम टू एनी, मतलब अपने फैमिली फिजिशियन को जाएं या फिर बिल्कुल स्पेशलिस्ट के पास जाके जल्दी से जल्दी अब करें. और हर गांठ कैंसर नहीं होती, ये भी एक मैसेज है. हाँ, तो वो रूल आउट करने के लिए भी हम कैंसर स्पेशलिस्ट को मिल सकते हैं. और दर्द का इंतजार ना करें. जो सबसे ज्यादा जो मरीज लेट करते हैं वो ये सोचते हैं कि इसमें दर्द नहीं है, तो इसलिए अगर गांठ में गांठ है, दर्द हो या नहीं हो, आपको जाके उसको दिखाना जरूरी है, चाहे वो किसी भी उम्र में गांठ हो. और वो नॉर्मल भी हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि कैंसर हो. नहीं, 10 में से 8 गांठें कैंसर नहीं होती, बिनाइन डिस्कम करते हैं. तो इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि वी शुड टॉक अबाउट इट. हमें इसके बारे में बात करके डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए, हमें उसका पता लगाना चाहिए कि ये क्या है, सो दैट आपका जो भी कोई शक हो वो खत्म हो जाए. हमने बात किया है कि इसका इंसिडेंस, फिर उसके आगे अर्ली साइंस, नाउ उसको हमको पहचानना है कि ये क्या, ये बेनाइन है कि मतलब फैला है कि एक जगह लोकलाइज्ड है. तो इसके डायग्नोस्टिक्स के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे कि इसको कैसे डायग्नोसिस किया. डायग्नोसिस करने के लिए मेन जो हम यूज करते हैं वो है डॉक्टर के एग्जामिनेशन के बाद या तो एक मैमोग्राम करते हैं, यूजुअली 40 की उम्र के बाद मैमोग्राम करते हैं. उससे अगर छोटे होते हैं तो नॉर्मली हम केवल अल्ट्रासाउंड ही करते हैं. तो डॉक्टर, जस्ट मैं पूछना चाहूँगा कि ये मैमोग्राम रूटीन करते हैं या कुछ सिम्टम्स होने के बाद ही करते हैं? नहीं, रूटीन अगर 40 के ऊपर कोई भी लेडी है, अगर उनके सिम्टम नहीं भी है तो हम चाहेंगे कि वो लेडी अपना एक मैमोग्राम जरूर करवाएं. ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हम लोग कैंसर को स्टेज 0 में भी पकड़ सकते हैं, मतलब प्री कैंसरस स्टेज में भी पकड़ सकते हैं. और जितनी जल्दी कैंसर डिटेक्ट होगा उतना ही कम ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा और उतना ही पूरी तरह ठीक होने का रिस्क का चांस बेटर होगा. सो अगर डायग्नोसिस होने के बाद या कोई सिम्टम होने के बाद हम कराएंगे तो वो बीमारी बढ़ चुकी होगी. लेकिन अगर आप रूटीन में स्क्रीनिंग में मैमोग्राम कराते हैं, खासतौर से अगर आपकी फैमिली में किसी को रिस्क है, तो जितनी उम्र में आपकी फैमिली में किसी को हुई गांठ उससे 5 साल पहले कम से कम चेकअप शुरू हो जाने चाहिए. सो गांठ का या सिम्टम्स का वेट ना करके अगर हम रेगुलर अपने ब्रेस्ट चेकअप कराएं, ब्रेस्ट सेल्फ चेकअप करें, अल्ट्रासाउंड करें, मैमोग्राफी करें डॉक्टर की सलाह से, तो कैंसर को फर्स्ट स्टेज से भी पहले पकड़ा जा सकता है. सो आई थिंक यहाँ पे मैमोग्राफी के 2 डिफरेंट रोल्स हैं. एक है जो हम लोग सब में कराना चाहिए, सब हेल्दी फीमेल्स को कराना चाहिए, जिसका वर्ड हमारी भाषा में कहते हैं स्क्रीनिंग. दूसरा होता है कि आपको कोई गांठ हुई और उसमें डाउट आ रहा है कि कुछ है और फिर आप डॉक्टर के पास गए और फिर मैमोग्राफी कराया, तो उस वक्त उसका रोल हो जाता है डायग्नोसिस. तो ये 2 रोल्स सेपरेट हैं और इन दोनों रोल्स को सेपरेट हमें समझना चाहिए. बहुत यंग पेशेंट्स में MRI का भी रोल है, खासतौर से अगर कोई BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनमें MRI का भी बहुत रोल है. और वो हमें शायद डॉक्टर रश्मि विटेल की ट्रीटमेंट डिसीजंस में भी हेल्प करती है कि किस पेशेंट में हमें कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल की ज़रूरत है और किस में हम ब्रेस्ट को बचा सकते हैं. जी जी जी. तो हम जैसे आई थिंक द टेक होम मैसेज इज दैट स्क्रीनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एज वी आर गोइंग थ्रू दिस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ. सो टेक होम मैसेज इज दैट
we should get screening. All the females with more than 40 years should be screened, and first test for that is mammography. Right. And I think what's important is breast self-examination. Yeah. Every female who is more than 20 years of age should do a monthly self-breast examination. Mm-hmm. 20 to 40 years ki age group mein aap doctor ko dikha sakte hain mammography or ultrasound depending on age aapko karana chahiye. Ji. So mammography ke baad hum agar koi kisi ko gaanth dikhti hai to we talk about biopsy. Yes. So biopsy ke bare mein aap kya? Biopsy wo hota hai, normally hum ek moti needle se ek tukda le lete hain us gaanth se aur usko hum fir process karke usko dekhte hain ki usme cancer ke cells hain ya nahi. Us pe hum kuch receptor studies bhi karte hain jisse hame treatment ke bare mein aur jankari hum de sakte hain ki pehle hame unko chemotherapy deni hai ya pehle operation karna, ye usse hum decide kar sakte hain. Ji. और लोगों के अंदर ये धारणा है कि बायोप्सी करने से ट्यूमर फैल जाता है, ये बिल्कुल गलत है. कोई भी ट्यूमर बायोप्सी करने से फैलता नहीं है. तो प्लीज़ लोग इस बात को समझें. और बायोप्सी करने से आपका पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हो सकता है, तो बायोप्सी से डरे नहीं, बल्कि वो आपका ट्रीटमेंट डिसीजन में आपको हेल्प करेगी. ये इंपॉर्टेंट मैसेज हम सारी जनता तक पहुँचाना चाहते हैं. जी जी. और बायोप्सी एक बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है, इसको एनेस्थीसिया में हम किया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया में. एंड इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, सिंपल ओपीडी टेस्ट. सिंपल टेस्ट आए आधे घंटे में, अपन एक घंटे में हुआ लीवर क्रीड, नॉट अ मेजर सर्जरी. ओपीडी प्रोसीजर. जी जी. हमने बात की स्क्रीनिंग की, इंसिडेंस की, देन सिम्टम्स एंड साइंस एंड डायग्नोसिस कैसे करें. अभी हमारा जो मेन रोल आता है कि अगर हम किसी को डिटेक्ट करते हैं, किसी भी स्टेज में अगर डिटेक्ट करते हैं, तो उसका उपचार हम कैसे किया जाए. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जब बात करते हैं ऑन्कोलॉजी में ट्रीटमेंट की, तो हमारे पास तीन ब्रांचेज होती है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे. डॉक्टर रणदीप हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, तो आपके बारे में वो आपको बताएंगे कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी का, ड्रग्स का क्या रोल है. तो ड्रग्स का रोल ब्रेस्ट कैंसर की हर स्टेज में है. कई बार हम सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी देते हैं ताकि हम गांठ को कम कर सकें, ताकि उसका फीमेल का ब्रेस्ट कंजर्व हो पाए. काफ़ी बार जब अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हम कीमो के बाद देते हैं ताकि ब्रेस्ट कैंसर के वापस आने की जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएं. और अनफॉर्चुनेटली एडवांस स्टेजेस में भी हम कीमोथेरेपी देते हैं. सिर्फ कीमोथेरेपी ही नहीं, हार्मोन थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर में काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं, और हार्मोन थेरेपी सिर्फ ओरल टैबलेट के फॉर्म में है. काफ़ी एडवांसेस कीमोथेरेपी की ब्रांच में हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर में, जैसे कि कई नई तरह की टारगेटेड थेरेपीज आई हैं, जैसे कुछ ड्रग्स हैं ट्रास्टुजुमैब और पर्टुजुमैब या TDM1. ये सारी ड्रग्स जो हैं, जो लेडीज़ HER2 पॉजिटिव होती हैं, एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको हम HER2 कहते हैं, उनमें यूज़ किए जाते हैं. तो जैसे जैसे हमारे पास नई ड्रग्स आती हैं, वैसे ही वैसे हमारे चांसेस बीमारी को कंट्रोल करने के धीरे 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 करके 5% करके बढ़ते जा रहे हैं. जी जी. बात करेंगे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की. काफ़ी मिथ्स से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे. तो कब हम सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं? नॉर्मली अर्ली स्टेज जो भी ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें हम सर्जरी का रोल तो डेफिनेट है ही. लेकिन पहले क्या होता था कि फॉर एवरी ब्रेस्ट कैंसर मैस्टेक्टमी वॉज द ओनली ऑप्शन विच वॉज गिवन. पर आजकल ऐसा नहीं है. आजकल हम लेडी की ब्रेस्ट को बचा सकते हैं. बहुत चांस है, एटलीस्ट 50% लोगों में हम ब्रेस्ट को बचा सकते हैं, और उनके कॉस्मेटिक और एस्थेटिक जो वो होता है उसको हम काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट नॉर्मल तक रख सकते हैं. आजकल एक और चीज़ आई है, ऑन्कोप्लास्टी सर्जरी. उसमें हम बॉडी के ही टिश्यू से जो भी गैप हो जाता है, जो लॉस हो जाता है, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं. हाँ, जो प्लास्टिक सर्जरी टाइप का होता है. दूसरा एक और जो एडवांस हुआ है वो है एक्सिलरी डिसेक्शन के. जो आर्मपिट में जो गांठें होती है, नॉर्मली पहले हम पूरी निकाल देते थे, लेकिन आजकल हम उसको खाली टेस्ट करते हैं सेंटिनल नोड बायोप्सी बोल के. अगर उसमें पॉजिटिव रहता है तो ही हम पूरी गांठें निकालते हैं, नहीं तो हम पूरी नहीं निकालते हैं. और इससे हम जो हाथ की सूजन पहले हो जाती थी उसका हम बचाव कर सकते हैं. पहले ज़्यादातर लोगों में लिम्फेडीमा हो जाती थी, हाथ में काफ़ी सूजन हो जाती थी, वो आजकल सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के तहत हम उसको कम करने में
कामयाब हो चुकी हैं। तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में, जैसे डॉक्टर साहब ने ब्रेस्ट सर्जरी में बताया कि हर एक कैंसर में हमको ब्रेस्ट रिमूव करने का जरूरत नहीं पड़ता, प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड अगर सर्जरी करनी भी पड़ती है तो उसके लिए हम ऑन्कोलॉजी प्लास्टिक सर्जरी से उसको हम फिल कर सकते हैं गैप को। तो नेक्स्ट मरीज जो है वो खुद से आके पूछते हैं कि सर आप ब्लू डाई कर पाओगे, धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है जी, सेंट्रल नोड थोड़ा मुश्किल वर्ड रहता है तो वो याद रखते हैं सर ब्लू डाई हो जाएगा। तो ब्लू डाई इज सेम एज सेंट्रल नोड। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का क्या रोल है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो आई थिंक तीनों मोडालिटीज इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी। तो जिस तरह से सर्जरी के का एक्सटेंट अब कम हुआ है, यानी कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल की बजाय पार्शल ब्रेस्ट रिमूवल करते हैं, उसी तरह रेडिएशन की टेक्निक्स में बहुत एडवांसमेंट हुई है। सो रेडिएशन में भी अब पहले हम लोग पेशेंट्स को जिनके छाती पूरी निकल जाती थी, जिसको मैस्टेक्टमी बोलते थे, उनमें 25 डेज का रेडिएशन करते थे। बट एक बात ये समझनी जरूरी है कि अगर आप छाती को बचा रहे हो, पार्शल ब्रेस्ट रिमूवल कर रहे हो, तो रेडिएशन करना मस्ट है। यू कैन नॉट अवॉइड रेडिएशन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पार्शल ब्रेस्ट रिमूवल। अगर पेशेंट को कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल हुआ है तो उनमें भी कुछ लोगों को रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ उसके हमारे पास खासतौर से नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में हमारे पास गुड़गांव के सबसे लेटेस्ट मशीन है ट्रूबीम STX। सो इसके थ्रू हम रेडिएशन पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, रैपिड आर्क ट्रीटमेंट, इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी, गेटिंग। इसका मतलब ये है कि आप रेडिएशन जो है वो सिर्फ ट्यूमर के ऊपर फोकस करते हो और आसपास के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आपका हार्ट है, लंग्स हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं, उनकी डोजेस को हम कम कर पाते हैं। इसके अलावा गेटिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं कि जिन पेशेंट्स का लेफ्ट साइडेड ट्यूमर है, उसकी ब्रीदिंग साइकिल के हिसाब से, मतलब जिस तरह से वो सांस ले रहे हैं, तो जितनी चेस्ट वॉल दूर होगी रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान, उस हिसाब से हम उसको रेडिएशन देंगे। और इसमें ड्यूरेशन भी कम हो गया है, जैसे हमने बात की अर्ली डिटेक्शन की, तो अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको 25 ट्रीटमेंट्स की बजाय उनको 15 या 16 ट्रीटमेंट्स देते हैं, और जहाँ से गांठ निकाली गई है उसको लंपेक्टमी कैविटी बूस्ट देते हैं। इनफैक्ट आगे आगे एक्सेलरेटेड पार्शल ब्रेस्ट रेडिएशन भी यूज़ हो रहा है, और इनफैक्ट बहुत अर्ली केसेस में सिर्फ 5 ट्रीटमेंट्स का भी आगे मुझे संभावना नज़र आ रही है कि हम लोग कर पाएंगे। सो सिर्फ 5 दिन का ट्रीटमेंट। सो इसीलिए अर्ली डिटेक्शन स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके छाती की सर्जरी का एक्सटेंट भी कम हो, रेडिएशन का एक्सटेंट भी कम हो, रेडिएशन जितने एरिया में दी जा रही है वो कम हो, जिससे कि आपके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। लिम्फेडिमा की हमने बात की थी, सो अगर हमें आर्मपिट में रेडिएशन नहीं देना है तो हमारा लिम्फेडिमा का रिस्क भी कम हो जाता है। तो पेशेंट्स को एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहना चाहिए, और उसी तरह डॉक्टर रणदीप बताएंगे कि कीमोथेरेपी का भी एक्सटेंट कम हो जाता है अगर डिसीज़ अर्ली स्टेज में डायग्नोज होती है। सो हमारे पेशेंट्स में रेडिएशन के दौरान इमेज लेना, मतलब यू कैन टारगेट द मूविंग ट्यूमर, फोकस द रेडिएशन वेयर द ट्यूमर मूव्स, सो विच इज़ नोन एज इमेजिंग द ट्यूमर वाइल ऑन ट्रीटमेंट एंड टारगेटिंग द ट्यूमर, जिससे कि सॉफ्ट नॉर्मल टिश्यूज पे साइड इफेक्ट्स हम बहुत कम कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने देखा है कि बहुत ही एडवांसमेंट हो गया है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में एंड इसके ट्रीटमेंट में, और जो भी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि the various modalities of the treatment and all the modalities have reached far for early treatment, and I hope aap logon ne iska kafi labh uthaya hoga, and that's all for today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.